हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल आज हम मैंडल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो मैंडल्स ने ना मतलब तीन लॉज दिए थे ठीक है फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ठीक है तो मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसके अंदर लॉज आते हैं ठीक है लॉ इसके अंदर जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं ठीक है लॉ ऑफ डोमिनेंस डोमिनेंस का मतलब होता है जो ज़्यादा अब खुद के कैरेक्टर्स को शो करता है ठीक है जो ज़्यादा पावरफुल होता है या जो अपने कैरेक्टर्स को ज़्यादा शो करता है ठीक है तो हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टू प्योर प्लांट टेकिंग ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड टू कंसिडरेशन ओनली वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ अ पेयर एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द एफ वन जनरेशन तो मैं इसको काफ़ी शॉर्ट में समझाने वाला हूँ ठीक है तो इसने बोला कि जब हम क्रॉस बनाते हैं क्रॉस जब बनाते हैं तो मैं इसको काफ़ी शॉर्ट में समझाती हूँ आपको समझ में आएगा ठीक है जो कुछ भी लिखा ना पहले मैं बताती हूँ उसके बाद आपको बताती हूँ ठीक है तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि ये ना रेड फ्लावर प्लांट लिया ठीक है हमने ना कोई एक कैरेक्टर लिया ये रेड फ्लावर प्लांट है आपको दिख रहा है यहाँ पर रेड है ना और ये है वाइट फ्लावर प्लांट हम इसको वाइट तो ड्रॉ कर नहीं सकते इसलिए मैंने ब्लू ड्रॉ करा है ठीक है तो वाइट फ्लावर प्लांट आई मीन में क्रॉस ठीक है ये क्रॉस मैंने बनाया है ठीक है अब ये जो है इन दोनों में क्रॉस किया दैट मीनस इन दोनों का हाइब्रिड होगा इन दोनों के कैरेक्टर्स को जब हम मिक्स कर रहे हैं हाइब्रिड है, कर रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं तो इस इसका ही पूरा रेड कैरेक्टर है और इसका वाइट कैरेक्टर है ठीक है अब दोनों का हम मिक्स कर रहे हैं तो क्या बन रहा है हमको यहाँ पर रेड फ्लावर प्लांट मिला ठीक है तो ये कितनी बड़ी बात है मतलब हमको दोनों का मिक्सचर मिल सकता था कि दोनों का मिक्स हो है ना लेकिन यहाँ पर क्या हुआ हमको एक कैरेक्टर दिखने को मिल रहा है दोनों कैरेक्टर को हमने बराबरी से मिक्स किया था ना लेकिन हमको फर्स्ट वाला कैरेक्टर दिख रहा है जो कि है रेड है ठीक है तो इसका मतलब जो कैरेक्टर हमको एफ वन जनरेशन में दिख रहा है जो एफ वन जनरेशन मतलब मिक्स करने के बाद जो हमको हाइब्रिड फर्स्ट हाइब्रिड जो मिलता है उसको एफ वन जनरेशन कहते हैं ठीक है थीके? तो जो फर्स्ट जो हमको मिल रहा है वो रेड है तो इसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर हमको यहाँ दिख रहा है डोमिनेंट मतलब एक जो कैरेक्टर हमको यहाँ पर शो हो रहा है लेकिन ये वाइट वाले कैरेक्टर हमको दिख नहीं रहा है यहाँ पर ठीक है तो ये जो है हाइब्रिड हुआ और ये रेड फ्लावर प्लांट हमको यहाँ पर दिख रहा है तो जो कैरेक्टर हमको एफ वन जनरेशन में शो होता है जो कैरेक्टर हमको एफ वन जनरेशन में शो होता है उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं और जो कैरेक्टर हमको एफ वन जनरेशन में शो नहीं होता है है ना उसको रेसेसिव कैरेक्टर कहते हैं ठीक है तो यही चीज़ जो है फर्स्ट लॉ में बताई गई है मैंडल के फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर बताई गई है कि जब हम किसी दो करेक्ट दो कैरेक्टर्स को हमने लिए हमने या दो कैरेक्टर्स ही लिए थे देखो है ना एक ही रेड लिया था और एक ही वाइट लिया था दो कैरेक्टर्स के बीच में जब हम क्रॉस करते हैं यही बात यहाँ लिखी हुई है तो इसके अंदर क्या होता है एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दो अलग अलग कैरेक्टर्स लिए देखो दोनों अलग अलग ही है ना ये रेड है और ये वाइट है दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स है ठीक है तो दो, दोनों दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स लिए हैं हमने ठीक है तो इसके अंदर जो एफ वन जनरेसन है यानी कि जो उनका हाइब्रिड बना है उसके अंदर एक डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को शो करेगा तो यही बात मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाई है ना और यही चीज़ जो है मैंडल के जो है फर्स्ट लो के अंदर कही गई है इसको मैंने काफ़ी शॉर्ट में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है तो यही बात यहाँ लिखा है जो कैरेक्टर एफ वन जनरेसन में खुद को शो करेगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा जो खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा वो रेसेसिव कैरेक्टर होगा तो यही जो है फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है मैंने बताया है ठीक है और ये इसका जो है ये डेफिनेशन दे रखी है और इसको मैंने एग्जांपल से बना के बताया है और ये काफी इजी वे में बताया है ना अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए ओके थैंक यू